हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे दूसरे ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने घर से, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ न्यूटेरी या किसी काम से। एंड उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको गांव की दिनचर्या कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है घर में, सुबह सुबह उठ के क्या 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 करना पड़ता है सुबह उठ के। चलो देखते हैं आगे आगे। क्या लाना बिमल? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक काम ले जाने यार। ठीक है ठीक ठीक है, मैं चला गया बिमल लेने। चम्मा तो मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ सबसे पहले बीमा लेने। मेरे पापा लोगों ने, मम्मी लोगों ने बोला कि भाई बकरियों के लिए बीमा ले क्या, तो मैं सुबह आ गया हूँ बीमा लेने अपने जंगलों में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह सुबह आप शायद आवाज़ सुनी रहे होंगे जंगलों में तितलियों की, ये नहीं बोलते इनको, तोते बोलते हैं, पैरट उनके। और ये है मेरा बिमल काटने के लिए दरांती। और अब आपके देखते रहिए। ये हमारे तोर के खेत हैं, जो दाल होती है तोर उनके खेत हैं। और यहाँ से हमारे यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है, बहुत मस्त दिखता है ऐसा नज़ारा यहाँ से। और अब मैं जा रहा हूँ फटाफट बिमल लेने, क्योंकि अभी मुझे चंबा भी जाना है क्लास में, मेरी वहाँ क्लास है, इसलिए 10:30 बजे से मेरी क्लास है। अब मुझे यहाँ 8:30 हो चुकी हैं, तो मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो लेट हो जाऊँगा मैं। और राहुल भाई का फ़ोन आया था अभी कि आ जा भाई, पर मैंने बोल दिया था कि अभी मैं जा रहा हूँ। इस पेड़ से भी मल काटना है मैंने, आप देखिए। मैंने काटे है अपने लिए बकरियों के लिए चारा, और अब मैं इसे करूँगा इकट्ठा। ये देखिए कितना चारा काट लिया, और ये देखिए इसी पेड़ से काटा मैंने अभी। और अब मैं इसको इकट्ठा करके घर ले जाऊँगा, उसके बाद मैं नहा दूँगा और मस्त करके सीधा चंबा निकल जाऊँगा, चंबा जाऊँगा, उसके बाद वहाँ क्लास खुलासा अटेंड करूँगा। तो अब मेटता हूँ मैं, मेटता ही बोलते मतलब इकट्ठा करता, मेटता गढ़वाली में मेटता बोलते हैं, हिंदी में इकट्ठा करते बोलते हैं, लेकिन जब जो अपनी मातृभाषा होती है हिंदी गढ़वाली, वो तो निकल ही जाती है, क्योंकि उसी से हम बड़े हुए हैं। और मुझे प्राउड है कि मैं गढ़वाली हूँ। सो अब मैं इसे इकट्ठा करता हूँ। वो तो कैमरा नीचे गिर गया था, जिस वजह से पूरी वीडियो नहीं बन पाई बिमल काटने की, पर कोई ना, अब आप आगे देखिए इसलिए घर जाते वक्त मेरे को। ये हो गया मेरा चारा इकट्ठा, और अब इसे हम घर ले जाएंगे। वो सामने हमारा घर है, दिखने लगा पेड़ों में जैसे। चारा उठा के अब सीधा घर की तरफ चलता हूँ, उसके बाद नहा धुल के सीधा चंबा। आप देख रहे हो जंबा आया था, मेरे बाल मस्त बना रखे थे, लेकिन क्या बताएं आप, कोई ना,
सही है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, पहाड़ी लंडो स्टाइल होता है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, मस्त करके। और बिम्बल को बहुत भारी हो रही है यार, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा भी पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से ये, इसलिए ज़्यादा भारी लग रहा है। पर कोई ना, आदत पड़ जाएगी कुछ टाइम बाद। और पूरा मेरे सामने घर, हमारी बहन इंतजार कर रही है कि कब ये चारा लाए और कब मैं इसे खा जाऊं। तो आ चुका हूं मैं अब घर, यानी बिम्बल को लेके। पापा कहाँ खड़े हो? ओके, ओ हाँ ठीक है। ये हमारा यहाँ पे स्टोर रूम, स्टोर रूम में अब मैं इनको रखता हूँ। ये मैंने रख दिया यहाँ पे बिम्बल, और ये हमारा स्टोर रूम में यहाँ टंकियाँ क्या रखती रखी। यहाँ कई बार छिपकलियाँ भी रहती, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा आता नहीं। बाल खराब हो गए यार मेरे बिम्बल लेने के चक्कर में। मम्मी खाना बन गया है? सर रख एक मिनट, परवल है क्या? मैं क्या मट्टा तो नहीं बोलते रुका था, धूप पड़ रही है यार आँखों पे, भयंकर वाली हो भी, दिख ही नहीं रहा कुछ मेरे को। और अब ताई जी लोग बुला रहे हैं मेरे नीचे, शायद उन्होंने मट्ठा की हो, जिसको बोलते हैं छाछ, उसे लेके आता हूँ अगर की होगी। चाह क्या दिखा ले ये जा, तुम क्या दिखना है? आजकल तो जूते ले आए ना, बड़े जूते ना यार, ये ठीक है और मैं सर्दियों में जूते नहीं देखा बड़े सन, पैर भी थक जाना है। ए सानू, ए ए सानू देखो कोई लेने आ रहे थे, मैं और सान क्या को नगरदार की जाना, नमस्ते नगरदार की जाना है, नगरदार की जाना रेली। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, ये देखिए आप, गर्मियों में मट्ठा मिल जाए तो और किसी को चाहिए ही क्या, क्योंकि मट्ठा हमारे भैंस दूध नहीं देती, इसलिए मट्ठा बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो पता नहीं कितने मट्ठा भेजाता हूँ खुद ही, इसीलिए इतने नीचे जाना पड़ रहा है मेरे को। चलो मिलते हैं सीधा घर में। मम पचा ली थे प्लेट भर दिए, कोई ना दिन घर आ रहा है, मैं भी गाड़ा गिलास क्या तो करा निकाया निकाल दे मम्मी, और दी और ना परवल की सब्जी, परवल की सब्जी छाछ और रोटी, मज़ा ही अलग है। मामा खाना दे रही है मेरे को और अचार भी रखा है यहाँ पे, मिर्ची का अचार पर मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाने आया था उसे। तो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपको। अब कर लिया मैंने नाश्ता, अब होता मैं तैयार। चंपा कह ले इन चप्पलों क्या करोगे आप, लो अबे एक उल्टी सुल्टी, अब बहुत मैं तैयार। ये अच्छा, मैं निकल चुका हूँ चंबा के लिए। आज मेरे साथ राहुल भाई नहीं आया है, वो शायद अपने जीते जी के साथ आ रहा है, उसने बोला था तो तू आगे चल, मैं आ रहा पीछे से। और मैं आज अकेला ही निकला हूँ चंबा के लिए, वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, तब तक यहाँ देखता हूँ, मस्त जंगल का सीन है,
मस्त जंगल का रास्ता है और कच्ची रोड़े हैं, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। भाई साहब भयंकर रोड़े हैं वैसे ये हमारी, वैसे खैर रोज चलता हूँ इसलिए इतनी बुरी नहीं लग रही, पर फिर भी है तो भयंकर रोड़े ही। ये देखिए आप क्या कच्ची रोड़े हैं, क्या कच्ची रोड़े हैं। अगर ब्रेकिंग छोड़ी और सीधा काम खत्म, कोई ना फ्री मजा आता है इन रोडों में। और जो मजा ऑफ रोडिंग में है वो किसी भी चीज़ में नहीं है भाई, मैं सच में कह रहा हूँ। जो मजा जिस मतलब जिसको ऑफ रोडिंग की आदत पड़ गई वो कभी पक्की रोडों में मतलब जैसे रहती जो चौड़ी फोर लेन टू लेन उनमें कभी मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि जो मजा ऑफ रोड में है ना वो कहीं है ही नहीं। मस्त बड़े बड़े पत्थर, पत्थरों के ऊपर जो यहाँ वहाँ, पक्के रोडों में क्या मस्त एक गियर डाल दो लगे रहो भाई। जो मजा ऑफ रोडिंग में है ना वो मजा किसी भी चीज़ में नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। राइडिंग के मामले में, ड्राइविंग के मामले में भाई सच नाइस। ओके तब मिलते हैं आपको नीचे सुलेदार में, थोड़ा मेरा वहाँ पे काम है, मैंने फोटोज़ वगैरह देनी है बनवाने के लिए, तब वहीं पे मिलते हैं बाय। तब तक आप सिनेमेटिक चेक कीजिए। जे तेनू धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। हे ही मेरी आरज़ू कि तेरा ही मैं। हेलो जी, अब मैं पहुंच चुका हूँ किरगिनी, और यहाँ काफ़ी ठंडा है क्योंकि यहाँ धूप बहुत लेट में आती है, इसलिए यहाँ भयंकर ठंडा हो रखा है भयंकर, पर फिर भी मज़ा आ रहा है। लेकिन रास्ता खाली खाली लग रहा है, कोई है ही नहीं मतलब पूरे रास्ते में। या तो मैं जल्दी आ गया हूँ इसलिए कोई नहीं है, या तो फिर मेरे को देर हो चुकी है इसलिए नहीं है। कोई ना, देखते हैं। चंबा क्लास में और अभी आया हूँ मैं क्लास से बाहर, और अब मैं यहाँ आ रखा हूँ नई टी डी आर टी ऑफिस में। चलन चुला नहीं है बट भाई का लाइसेंस बनाना है, और भाई के साथ मैं यहाँ लाइसेंस बनाने आ रखा हूँ नई टी डी। अभी तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं क्लास में था, उसके बाद गाड़ी चला रहा था तो धानी साथ में वीडियो बनाने वाला, इसलिए मैं अब बना रहा हूँ वीडियो। और आप देखिए आर टी ऑफिस मैं और राहुल भाई आए थे यहाँ मेगा वाइट रेस्टोरेंट और एक्सिस बैंक, बट यहाँ कुछ खाने का नहीं मिल रहा अभी फिलहाल, अभी ऑर्डर दे रखा है लेके आ जाएंगे थोड़ी देर में। खाली है यहाँ उठा राहुल भाई, अभी काफ़ी शर्मा रहे हैं ब्लॉग में। राहुल भाई कैसा है और राहुल भाई के लाइसेंस बनाने के लिए पहले मैं क्लास गए, उसके बाद मैंने सोचा राहुल भाई के साथ आ ही जाते हैं लाइसेंस बनाने। यहाँ सामने डोबरा चांटी के व्यू है, दिखाता हूँ आपको रुको। ये देखिए मस्त व्यू है सामने, ये होटल है यहाँ पे मेगा वाइट रेस्टोरेंट। खाली है अभी यहाँ पर, अच्छा है मेन्यू भी सही है इनका। देखते हैं क्या क्या है। कॉफी शेक डू लाइक ओरियो शेक हम रसमलाई खाने आए थे हम, और वहाँ एक वेटर है उसने पूरा रसमलाई के जिसमें रखे थे पूरा जार ही पलट दिया, और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। ये मिली और यहाँ से देखिए नई टिहरी का नज़ारा कितना औसम दिख रहा है। नई टिहरी बाजार जो मेन सिटी है टिहरी, वो ये है यहाँ पे, वाह क्या नज़ारा है। और ये हमारे राइडर ब्रो, अब ये चलाएंगे गाड़ी और मैं पीछे बैठ के व्लॉगिंग करूँगा। ये अब इन्होंने अपना पूरा राइडिंग गियर शुरू कर दिया है, अब ये यहाँ से रफ एंड टफ नहीं बहुत अच्छी गाड़ी चलाएंगे। चलो ब्रो चले। मेरे मुंह पे ही मेरा किसे मूरे नहीं मनदा, किसे जोगा छड़े आना बेपारी सी तनदा,
एक वारी नहीं जानी हर वार मतलब ही है मैनू प्यार ता कर दे मेरा यार मतलब ही जे हो जे कोई गुना दो गल्ला ले सुना राच तू छड़ी ना मैं जाऊंगी किधर तेरा मेरा सफर रे हाय जो गुजर मजा ता आ रे इतो लगी जावे डर हमारे पास एक दूसरा हेलमेट भी है पर हम उसे बाहर कभी कभी निकालते हैं क्योंकि हमें उसे बाहर निकालने में लगती है शर्म मतलब यहाँ अजीब सा लगता है यार मतलब कोई ज़्यादा लोग पहनते नहीं ना इस प्रकार के हेलमेट वो इसलिए हम उसे अंदर ही रखते हैं कभी कभी निकालते हैं बाहर रील्स बनाने के लिए पर कोई ना कुछ समय बाद हम उनको भी निकालेंगे बाहर और मस्त मस्त रील्स बनाएंगे उसमें मस्त मस्त वीडियो एडिटिंग करेंगे उसमें आप देखते रहे होंगे हमारे आप यूट्यूब चैनल में आप पिछली वाली वीडियो में भी देखा होगा पिछली वाली वीडियो में कितना मस्त लग रहा था वो हेलमेट और अब लेट्स कंटिन्यू बंदर फोन सुनाओ ये बंदर के बच्चे बंदर अगर ये मेरा फोन ले गए तो समझो ब्लॉग खत्म वो नहीं लगे तो ब्लॉग चालू रहेगा भयंकर बंदर है तेरा माना दिल दा ही मेरा है कसूर से कोई भी ना होवे मजबूर माना दिल दा ही मेरा माना दिल दा ही मेरा है कसूर से कोई भी ना होवे मजबूर माना दिल दा ही मेरा माना दिल दा ही मेरा है कसूर से कोई भी ना होवे मजबूर माना दिल दा ही मेरा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मेरा जो सफर है वह है मेरा कल वो भाई अच्छा फिर ड्राइवर ऐसे होते हम कुछ चुके हैं चंपा की पुल में आराम से ब्रो चल तुम भैंखे देर होनी हाँ चंबा बंद है क्योंकि शनिवार इसलिए चंबा बंद है पढ़ता हूँ करेगा गाड़ी की आगे से हट जाइए जो सफर वंदे पूरा हम पहुंच चुके हैं दुकान में और मनोज भाई यहाँ बैठे हैं गुन्नी ने बोला वाला भी नहीं बन रहे ये कॉमेडी यार भयंकर कॉमेडी हो जाए साथ आज हमें ना रसमलाई मिली ना खाना मिला और हम भूखे ही घर की तरफ वापस चल दिए दो आइसक्रीम खाई दो क्रीम रोल खाई हमने और मस्त करके आया हमने पर जो हमें चाहिए पूरा नई डिग्री बाजार ढूंढा पूरा चंबा बाजार ढूंढा पर कहीं नहीं मिला हमें और ये राहुल भाई पता नहीं क्या क्या बोलता है पीछे से उसकी बातों को इग्नोर करो और चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसके लिए अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर कीजिए बाय बाय राइट से पीछे राइट से ओके।